120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। समंदर से उठती हाहाकारी लहरें, तबाही मचाने को आमादा चक्रवाती हवाएं, दाना आया दहशत लाया। ये कुदरत के उस मिजाज की तस्वीरें हैं जहां किसी का बस नहीं चलता। दाना साइक्लोन की सनसनाती हवाएं और उन हवाओं के प्रभाव से उठती समंदर में लहरें तस्दीक कर रही हैं कि चक्रवाती तूफान के टकराने की ताकत क्या होती है। बंगाल की खाड़ी में बने इस प्रचंड तूफान से निपटने की तैयारियां तो बड़ी थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे कोई तैयारी काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ दाना नाम के इस चक्रवाती तूफान ने भी कर दिखाया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये तूफान ओडिशा के तट से टकराया तो दिल दहला देने वाली तस्वीरों से लोगों का सामना। रात को 11-12 बजे के आसपास दाना जो है वो अपना कहर दिखाना शुरू किया और जो लैंडफॉल है वो लैंडफॉल भीतरकर्णिका और धामरा के बीच में हुआ है। वहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी और उसके साथ काफ़ी बारिश हो रहा था। न सिर्फ ये जगह भद्रक, केंद्रपारा, धामरा, पूरी में भी बारिश हुआ। दाना तूफान की चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश का असर ये हुआ कि केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गईं। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि तेज बारिश और तूफान ने भद्रक में जबरदस्त तबाही मचाई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ता जाएगा। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कोलकाता पर भी दिखने लगा है। ये तूफान कल देर रात उड़ीसा के भद्रक के पास जमीन से टकराया, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश रह रहकर हो रही है। दाना तूफान के असर की कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी प्रचंड ताकत का असर कई राज्यों पर पड़ने वाला है। दावा किया जा रहा है कि दाना तूफान का सबसे भयानक असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दाना तूफान के एक एक पड़ाव पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भले ही कुदरत की आपदा से तबाही को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस तबाही के असर को कम जरूर किया जा सकता है। और इसी कोशिश में पूरा प्रशासनिक अमला पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है।